जय हिंद। आप सुने होंगे कि एसएससी में यूएफएम के तहत लगभग 4500 यानी 4500 लड़कों को 0 मार्क्स दे दिया गया है। इसमें बहुत से वैसे लड़के थे जिनका स्कोर बहुत अच्छा था। अब ये क्या घमासान है और कल 3 मई को इस पे जो कमेटी होगी वो क्या कहेगी, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, एसएससी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। एसएससी की स्थापना 1975 में की गई थी, ये स्टाफ्स की सिलेक्शन करने के लिए। अभी ब्रजराज शर्मा इसके जो चीफ हैं। ये एसएससी कई तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। बेसिकली हम यहाँ जो देखते हैं वो 10th लेवल पे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ्स का करा देती है, 12th लेवल पे सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसे आप जनरली एलडीसी भी कहते हैं, और ये जो ग्रेजुएट लेवल पे होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसे आप यूडीसी कहते थे, अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी के नाम से जानते थे। तो देखिए, अभी जो मेन यूएफएम चल रहा है वो मेन घमासान हुआ है वो सीएचएसएल के, वो भी टीयर टू को लेके। सीएचएसएल यानी एलडीसी के एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वो 2 तरह से लेंगे। एक टीयर वन में आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, उसमें आपको ओएमआर सीट का तो जमाना गया, आप तो ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको जवाब देना होता है। उसके बाद शुरू होता है टीयर टू, इसमें आपको एसे और लेटर लिखने होते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिखने होते हैं, आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसको पास होने के बाद टीयर थ्री में स्किल टेस्ट या टाइपिंग का टेस्ट होता है। जो मेन यूएफएम है वो टीयर टू को लेके है। एक्चुअली 2018 के एग्जाम वाले में हुआ क्या कि जो टीयर टू का एग्जाम था एलडीसी यानी सीएचएसएल का, उसका एग्जाम कंडक्ट किया गया 29 सितंबर 2019 को। ये टीयर टू की बात कर रहे हैं। टीयर टू के इस एग्जाम में रिजल्ट जो आया वो 25 फरवरी 2020 को आया, जो इस साल आया हुआ है। इसमें जो पास हुए हैं 32,600 लड़के, वो जो पास हुए हैं तो खैर उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, वो आगे देखेंगे, अपने कोरोना के वजह से उनका भी अगला टीयर का रुक गया। अब हम मेन समझते हैं 0 मार्क्स क्यों दे दिया लगभग 4,500 लड़कों का, मार्क्स 0 आ गए। जब वो लोग आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अपनी कॉपी मंगाई तो उन्होंने देखा कि उनके जो डिस्क्रिप्शन में ऐसे राइटिंग ली गई थी या लेटर लिखा गया था, उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे लेकिन उनमें लिख दिया गया था 0 मार्क्स, आगे लिखा गया था ड्यू टू यू अनफेयर मीन्स यानी यूएफएम। यूएफएम का मतलब क्या होता है? अनफेयर मीन्स। अब ये अनफेयर मीन्स क्या है? अनफेयर मीन्स हर एग्जाम में दिए जाते हैं। अनफेयर मीन्स का काम मतलब कहना क्या है कि कुछ चीज़ें हाईली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि आपको एग्ज़ाम में इन चीज़ों को नहीं करना है, और अगर आप वही चीज़ एग्ज़ाम में कर देते हैं तो उसी को कहते हैं अनफेयर मीन्स यानी यूएफएम, और इसके तहत आपको 0 मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ एसएससी में हुआ है वो बड़ा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जो यूएफएम के तहत 0 मार्क्स दिया गया है वो बहुत माइन्यूट गलती था, और पिछले साल के स्टूडेंट को उसी गलती के लिए कुछ भी नहीं बोला गया था। देखिए कंप्लीट क्या चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस समझिए। एसएससी ने जब अपने सीएचएसएल यानी एलडीसी 12th लेवल वाले का जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें कहा था कि जब आप टीयर टू में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो एसे राइटिंग के वक्त या लेटर राइटिंग के वक्त आप अपनी कोई भी पर्सनल आइडेंटिटीज़ नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप लेटर लिखते हैं तो वहाँ ये नहीं लिखेंगे कि मेरा नाम श्याम राम जो भी है, यानी आप पर्सनल आइडेंटिटीज़ कुछ नहीं लिखेंगे। बचपन में आप लोग भी जब एसे राइटिंग लिखे होंगे तो लास्ट में लिख देते होंगे योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड करके। तो एक्चुअली एक्स वाई जेड ये कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, या फिर आप किसी को लेटर लिखते होंगे दिल्ली में तो फला आदमी दिल्ली हाउस नंबर इतना ब्लॉक नंबर इतना दिल्ली ऐसे लिख देते होंगे, तो ये कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। तो एसएससी ने कहा था अपने नोटिफिकेशन में आप कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, लेकिन जब एसएससी ने 29 सितंबर 2019 को टीयर टू यानी डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन बैंक दिया, क्वेश्चन पेपर दिया, तो उस क्वेश्चन के फर्स्ट पेज पे जहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे गए रहते थे वहाँ एक माइन्यूट सा चेंजिंग किया गया। चेंजिंग किया गया था कि आप कोई भी पर्सनल या इमेजिनरी आइडेंटिटीज़ को नहीं लिखेंगे। अब देखिए, जो एक्स वाई जेड लिखते थे ये कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन यह एक इमेजिनरी यानी एक काल्पनिक पहचान हो जाती है, तो ये आपको नहीं लिखना था। अब बहुत से लड़कों ने क्या किया, जिन्होंने
लेटर लिखा या ऐसे लिखा, तो उन्होंने लिखा है कि जैसे मान लीजिए वहाँ दिया था दिल्ली में, इस आदमी को लेटर लिखे जो न्यू दिल्ली में रहता है। तो कई लड़कों ने इमेजिनरी लिख दिया कि भैया ब्लॉक नंबर 16 हाउस नंबर इतना न्यू दिल्ली कर दिया। अब एसएससी ने ये एक्स्ट्रा जो इमेजिनरी लड़कों ने लिख दिया ताकि लेटर थोड़ा सा अच्छा लगे, एड्रेस कंप्लीट लगे, उसको एसएससी ने सर्कल करके और उस वजह से 0 नंबर दे दिया और कहा कि आप अनफेयर मींस यानी यूएफएम के तहत डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। हमने क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक स्पष्ट लिख दिया था कि भैया ना आपको पर्सनली कोई जानकारी देनी थी ना ही इमेजिनरी। अब थोड़ा पिछले बारे में चर्चा करते हैं। 2016-17 के जो एग्ज़ाम थे उस एग्ज़ाम में लड़कों ने एकदम क्लियर लिखा था, बहुत से लड़कों ने हाउस नंबर लिखा था, ब्लॉक नंबर लिखा था, स्ट्रीट लिखा था, रोड नंबर लिख दिया था, उनको पास कर दिया गया था। उसी एग्ज़ाम में 2020 वाले में फेल कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, आप एज ए स्टूडेंट सोचिए कि आप किस चीज़ को देख के तैयारी करते हैं। प्रीवियस ईयर के लड़कों से मिलकर बात करके जो अच्छे स्टूडेंट थे पास होकर, उन्हीं के हिसाब से, तो उन्होंने बताया कि भैया हम ऐसे लिखते हैं, आपने भी उसी को किया और फेल कर दिया एसएससी ने। एसएससी अगर इमेजिनरी डाटा को नहीं पसंद करती है तो वो अपने नोटिफिकेशन में लिखी रहती। जब आप नोटिफिकेशन जारी कर दिए फिर उसको चेंज कर रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन पे एग्जामिनेशन हॉल में लड़कों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, वो एक एक करके नहीं पढ़ने जाता है कि क्या क्या आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो ये एसएससी ने बहुत गलत किया था, इसके खिलाफ काफ़ी एक्शन भी लिया गया, एसएससी के पास कंप्लेन भी किया गया। तो एसएससी का कहना था चूंकि लॉकडाउन है इस वजह से हम कोई कमिटी नहीं बना रहे हैं, कल 3 तारीख के वजह से लॉकडाउन में कुछ छूट है, वहाँ कमिटी बनाई गई। अब एसएससी के जो चीफ हैं ब्रजराज शर्मा, उनसे पूछा गया कि इस कमेटी में स्टूडेंट की बातों को कौन रखेगा, तो उन्होंने खारिज कर दिया कि भैया स्टूडेंट्स की बातों को कोई नहीं रखने वाला, यहाँ हम लोग खुद जज करेंगे कि ये यूएफएम सही है या गलत है, और अगर ये गलत पाया गया तो हम जिन लड़कों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ हम उनका जो उचित न्याय होगा वो हम दिलाएंगे। आशा करते हैं कि एसएससी लड़कों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये जो भी लड़के हैं ये एक मीडियम फैमिली से आते हैं और बहुत सपने लेके दो दो ढाई ढाई साल इंतज़ार करके पढ़ाई करते हैं, और एक छोटी सी भूल के लिए आप उनको पूरी तरह से उनको 0 मार्क्स दे देते हैं। आप जहाँ भी हैं आप भी अपने दोस्तों में इस जानकारी को दें ताकि आवाज़ को तेज किया जा सके और एसएससी को सुधारा जा सके। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।